हेलो गाइस, वेलकम टू मैडी ब्लॉग्स। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज का जो ब्लॉग है, मैं मतलब अपना दिल पे पत्थर रख के बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन का कार बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के लिए मैं अपना एलेंट्रा, वाइट एलेंट्रा को ब्लैक फिनिशिंग दिया था, ब्लैक शीशा चढ़ाया था, टॉप रूफ ब्लैक किया था और बहुत सारा ब्लैक किया हूँ, जैसे कि मिरर हो गया, टेल लाइट हो गया, सारा कुछ ब्लैक हुआ है। लेकिन अभी मैं जहाँ रहता हूँ भुवनेश्वर सिटी में, वहाँ पे आए दिन चलान कट रहा है। हालांकि मेरा एक बार चलान कट चुका है ब्लैक शीशा के लिए, अभी कुछ दिन हो गया। भुवनेश्वर में इतना चेकिंग चल रहा है, मतलब स्पेशली ब्लैक शीशा का, क्योंकि भुवनेश्वर में कुछ इलीगल काम्स चल रहा है, वो ज़्यादातर मैं डिटेल्स में नहीं बताना ही सही रहेगा। आए दिन न्यूज़पेपर में भी छप रहा है, तो जब मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ, पुलिस पकड़ेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होके सॉर्टेड आउट होके निकल जाऊंगा। लेकिन फैमिली के साथ ड्राइव कर रहा हूँ, कोई दोस्त लोगों के साथ ड्राइव कर रहा हूँ, एक तो अफंडेड जैसा सिचुएशन हो जाएगा, तो इसीलिए हमेशा एक तो दिमाग में टेंशन रहेगा, यार चेकिंग हो रहा है, ब्लैक शीशा उतारना है, ये वो। इसीलिए मैं आज डिसाइड किया हूँ कि आज खुद ब्लैक शीशा को निकाल दूंगा, और वो निकालने का प्रोसेस तो आपको अभी दिखा दूंगा। लेकिन फिर भी मेरे को 1% भी मन नहीं है निकालने का, बस मजबूरी में निकालना पड़ रहा है। और वैसे भी मैं YouTube में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी के लिए किसी को भी मतलब इंस्टिगेट नहीं करूँगा कि ऐसा ब्लैक शीशा चढ़ाया जाए, क्योंकि ये इलीगल है इंडिया में। बाकी फॉरेन कंट्री में तो काफ़ी लीगल है, इनफैक्ट दुबई में तो फ्रंट शीशा भी ब्लैक करके घूमते हैं, वहाँ पे उनका प्रोटोकॉल थोड़ा अलग है, लेकिन हमारा इंडिया का प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग को यहाँ रहना पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनरैपिंग। लास्ट टाइम जब मेरा चालान कटा था, तो मैंने राइट साइड का ब्लैक शीशा मतलब ब्लैक फिल्म उतारा था, तो अभी मेरे पास और 3 शीशा है, मतलब 3 ब्लैक रैप है, उसको उतारना है। फ्रंट का जो फिल्म मैंने चढ़ाया हूँ, उसको उतारने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लीगल है, वो जैसा थोड़ा लाइट कलर है उस वो लीगल है। एंड बैक वाला उतारूँगा या नहीं उतारूँगा वो थोड़ा सोचूँगा, क्योंकि मेन तो 4 विंडो रहता है, एंड ब्लैक का जो पीछे है मतलब रियर व्यू विंडो, उसको उतारना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अगर मैं उतार पाया तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दूंगा, या फिर अगर आगे ज़्यादा दिक्कत हुआ तो उसको जाके कहीं प्रोफेशनल से अनरैप करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा पोजीशन में मेरे से तो होगा नहीं, तो छेड़कानी ना करना ही बेटर है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको उतारना, लेकिन अगर गाड़ी धूप में होगा तो और ईजीली निकल जाएगा। अच्छा क्वालिटी का फिल्म था, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा निकालने के लिए। फाइनली एक ग्लास का निकल गया है, अब थोड़ा देखते हैं
सामने से कैसा दिखता है ये, नॉट बैड। एक थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहेगा, दूसरा ब्लैक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वैसा भी नहीं रख सकते, इसको भी मेरे को अभी उतारना पड़ेगा। अगर अच्छा क्वालिटी का ब्लैक फिल्म लगाते हो तो उतारना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एक ब्लेड से उतार सकते हो। अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा तो काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि उसका गम जो है वो शीशा में चिपक जाता है। डन। और बचा एक शीशा। आराम से फाइनली डन विद द अनरैपिंग। अभी सारा ब्लैक फिल्म शीशा से उतर चुका है। मैं थोड़ा आपको एक वॉक अराउंड व्यू दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ब्लैक कैसा लग रहा था, पूरा फुल कंप्लीट ब्लैक। अभी ब्लैक उतारने के बाद कैसा लग रहा है, ज़्यादा डिफरेंस है इतना तो बोलूँगा, क्योंकि मेरा गाड़ी में थोड़ा ऑलरेडी यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास दिया हुआ है, तो उतना दिक्कत नहीं होगा मेरे को सनरेज से, लेकिन वो जो ब्लैक का जो फील है वो नहीं और मिलेगा। तो लेट्स सी कैसा दिख रहा है अभी। अभी आपको गाड़ी के अंदर का पार्ट दिख जा रहा होगा, जो कि पहले नहीं दिखता था। फ्रंट का जो फिल्म है मैंने उतारा नहीं है, वो जब धूप गिरेगा तब आपको शेड्स पता चलेगा। एंड चारों शीशा का ग्लास मैंने उतार दिया,
और बैक साइड वाला छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो उतना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को घर पे फिल्म उतारना है, खुद से अगर ट्राई करना है, तो थोड़ा टिप्स दे देता हूँ। पहले तो गाड़ी को पूरा धूप में रखना ताकि थोड़ा हीट एब्जॉर्ब हो सके और आसानी से फिल्म उतर सके। यह है पहला टिप्स। अगर आपका अच्छा क्वालिटी का फिल्म लगा है तो बस एक ब्लेड से ही आपका उतर जाएगा, और अगर अच्छा क्वालिटी का फिल्म नहीं लगा है तो ब्लेड के साथ शैम्पू वाटर भी चाहिए रहेगा, क्योंकि उसको पानी मार मार के थोड़ा घिस के निकालना पड़ेगा। एंड तीसरा है, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है उससे भी आप निकाल सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा हीट देने से वो आराम से इजीली निकल जाएगा, वरना थोड़ा निकालने के लिए थोड़ा कठिनाई होगा। इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप घर पे भी निकाल सकते हो, कोई प्रोफेशनल का भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आइडिया नहीं है तो खुद से मतलब ब्लेड मत यूज़ कीजिएगा, जिससे कि स्क्रैचेस भी आ सकता है ग्लासेस में, तो इसलिए बेटर गो फॉर प्रोफेशनल, और एल्स अगर एक्सपर्ट हो तो घर पे खुद कर सकते हो। तो आज का ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नया ब्लॉग में नया कंटेंट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। Yeah, yeah.